Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कानपुर में अपनी पड़ोसी महिला के प्लॉट में आगजनी के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच विधायक इरफान सोलंकी एक और मामले में फंसते जा रहे हैं। उन पर बांग्लादेशी नागरिक को कानपुर का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देने का आरोप है। कानपुर पुलिस की जांच में बांग्लादेशी निवासी डॉक्टर रिजवान को कानपुर का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देने का मामला और तोल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भी पुलिस ने इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने इरफान सोलंकी के उस प्रमाण पत्र की जाँच के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक से मंगलवार को जेल में 1300 सिग्नेचर कराए गए हैं। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर का नमूना लिया। पुलिस इस नमूने से ही डॉक्टर रिजवान को मिले प्रमाण पत्र के हस्ताक्षर का मिलान कराएगी, क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया है। मैंने कोई प्रमाण पत्र बांग्लादेशी नागरिक को जारी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के साथ समाजवादी पार्टी की पार्षद मुन्नू रहमानी नदी ने भी बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को स्थानीय प्रमाण पत्र जारी किया था। मुन्नू रहमानी के खिलाफ भी FIR दर्ज है, लेकिन उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से एक टीम ने मंगलवार को जेल के अंदर जाकर विधायक का 250 और 250 के सेट में हस्ताक्षर कराए हैं। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि यह जांच प्रक्रिया है, इसमें हस्ताक्षर का सही मिलान करके सही गलत की जानकारी करने के लिए हस्ताक्षर कराए गए हैं, ताकि एक्सपर्ट की जांच में सही गलत के साथ जानकारी मिल सके। इससे किसी तरह के हस्ताक्षर मिलान में अब शिकायत की बात नहीं रहेगी। वहीं बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान से कानपुर के जेल में बंद किया, उसके 24 घंटे के अंदर ही इरफान सोलंकी का जेल बदल दिया गया है, और इसके पीछे की क्या वजह है इसको भी लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।